हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है मुमताज मसालों से बना हुआ खिचड़ा यानी दलीम की रेसिपी। इस दलीम को मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाया है। आप देख सकते हैं ये दलीम जितना ज्यादा टेस्टी दिख रहा उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपका दलीम बनाना आसान हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले लेंगे मुमताज खिचड़ा मसाले का पैकेट। यहाँ पर मैंने दो मसाले के पैकेट लिए हुए हैं। इसका जो प्राइस है वो 10 रुपए है। आप 10 रुपए के पैकेट से डिलीशियस सा दलीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये 750 ग्राम मटन है जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। ये 200 ग्राम छिलका उतरा गेहूं है जिसे 7 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 4 प्याज को इस तरह से फ्राई करके रख लिया है। यहाँ पर कुछ दाल ली है जो कि आप देख सकते हैं। सारी दाल मैंने नाप कर 4-4 चम्मच ले लिए। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल भी लिए हुए हैं। अब चलते हैं दलीम को बनाने के लिए। एक कुकर में सारे गेहूं भीगे हुए ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर इतना पानी डालना है जितने के गेहूं पानी में अच्छे से भीग जाएं। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके इसको चला देंगे। अब कुकर की लीड लगाएंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 30 से 35 मिनट पकने देंगे। साथ ही साथ हम मटन भी गला लेंगे। एक कुकर में डालेंगे 250 ग्राम तेल। तेल को यहाँ पर गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज के प्याज जिसे पतले स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। ये देखिए प्याज काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालकर इसे चलाएंगे और 1 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर है, 2.5 चम्मच मैं यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कप पानी मसालों को पकने के लिए। अब मसालों को यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। अब साथ ही साथ इसमें डालेंगे मुमताज खिचड़ा मसाले का पैकेट। एक पैकेट को कट करेंगे और इसमें डाल देंगे और डालकर इसे अच्छे से चलाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ढक्कन लगाएंगे, मसालों में तेल छूटने तक पकाएंगे। ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए मसाले काफी अच्छे से फ्राई हो चुके। अब इसमें डालेंगे कटे हुए 3 टमाटर। टमाटर को डालकर चला देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। इसमें ऐड करेंगे मटन। मटन ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। मटन और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके। इसे हाई फ्लेम पर 4 मिनट पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पर गेहूँ चेक करेंगे। ये देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके। ये काफ़ी अच्छे से गल चुका। इसे एक हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर इसे ढक्कन लगाकर रख देते हैं। इसी कुकर में हम दाल को भी गला लेंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है। सारी दाल को कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और साथ ही साथ डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच ये हल्दी है और इसको यहाँ पर डालकर अच्छे से चला देते हैं। कुकर की लीड लगाएंगे और 1 सीटी आने के बाद इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। 4 मिनट हो चुके मटन को फ्राई करते हुए। अब इसमें डालेंगे 300 ग्राम पानी। पानी डालकर इसको यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्ची यहाँ पर चेक कर ले, आप जितना तीखा या कम खाते हो। कुकर की लीड लगा देते हैं। मटन को 5 सीटी आने तक गला लेते हैं। साथ ही साथ दाल को भी चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 1 सीटी आने के बाद। अब इसे एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे। 10 मिनट इसे इस तरह से मैश कर दें। ये देखिए 10 मिनट हो चुके। दाल काफ़ी अच्छे से मैश हो चुकी। अब इसी बर्तन में हम इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी दाल वाले कुकर को खंगाल कर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और डालकर हम इसे अच्छे से चला देते हैं और इसे एक तरफ रख देते हैं। मटन भी चेक करेंगे। 5 सीटी आ चुकी है। अब जो ऊपर से ये तेल है इसे हम निकाल लेंगे। इसे दलीम के ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। इससे जो दलीम का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से हम थोड़ा सा तेल ऊपर से निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 फ्राई की हुई प्याज, 6 हरी मिर्च, 1/2 कप कटा हुआ पुदीना और 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया। सारे मसाले डालकर हम इसे अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें डालेंगे घर में बना हुआ बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला 1 चम्मच और इसे डालकर अच्छे से मिलाएंगे। ढक्कन लगाएंगे और 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए 4 मिनट हो चुके। मटन काफ़ी अच्छे से गल चुका है और इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब इसे नहीं गलाएंगे। अब इसे इसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हमने गेहूं और दालें ट्रांसफ़र करी हैं।
अब इसको भी यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। दाल को यहाँ पर हमें 15 मिनट तक एक मैसर या मथनी की मदद से आप इस तरह से मथ लें। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर जो दली में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। ये देखिए 15 मिनट हो चुके, दलीम काफ़ी अच्छे से मैश हो चुका। अगर आप भी इसी तरह से मैश करके बनाएंगे तो आपका भी दलीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने से दलीम फटाफट बन जाएगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा। और इसको यहाँ पर हम अच्छे से मिलाएंगे। अब डालेंगे बचा हुआ मुमताज का खिचड़ा मसाला। मसाला यहाँ पर सिर्फ आधा पैकेट ऐड करना है और इसे यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे। अगर आप इसी स्टेज में मुमताज खिचड़ा मसाला डालेंगे तो इससे जो खिचड़े का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। 40 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 40 मिनट हो चुके, दलीम बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको यहाँ पर अच्छे से चलाएंगे। अब इसके ऊपर से ऐड करेंगे तेल जो मटन के ऊपर से निकाल लिया था। इससे जो दलीम का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। अब साथ ही डालेंगे कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, कटी हुई जुलियन अदरक, क्रश की हुई लाल प्याज। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस दलीम बनकर तैयार है। तो आप भी इस दलीम की रेसिपी को बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।